तो मैं ऊपर आ गया, देखो यहाँ पे रखा है, निकालेंगे। इतना फास्ट नहीं बोल सकता मैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? बैंडी का सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू एंड फ्रेश व्लॉग में। तो गाइस आज मैं उठा हूँ, कितने बजे उठा मैं, मेरे को सोचने दो कितने बजे उठा। हाँ तो आज मैं उठा 7:15 बजे और आज की ट्यूशन थी 7 बजे। तो आपको पता ही चल गया होगा कि बिना नहा के चला गया मैं। पर आज बारिश इतनी हो रही थी कि मतलब आँख ही नहीं खुली। बारिश की वजह से नींद बहुत अच्छी आई और सर भी नहीं आए। और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं थे, हम 4-5 जन ही थे, बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट थे और सर भी नहीं आए थे। तो वैसे अभी हम लोग ने क्या, बगीचे में जाना हमारा बंद हो गया क्योंकि सब लोगों की अभी किन किन के स्कूल चालू हो गए। सुबह की 22 तारीख से ही सबके स्कूल चालू हो गए, छोटे से बड़े तक हमारे इधर। तो अभी किस किस की ट्यूशन रहती है सुबह की और अभी किन किन की स्कूल है, तो इसलिए हम गार्डन में नहीं जा सक रहे हैं। अगर संडे को अगर किसी को वक्त मिला तो हम ज़रूर जा रहे हैं। पर उठने का मतलब सुबह उठने की आदत तो हो रही है हमें क्योंकि ट्यूशन है हमारी, पर तो भी मज़ा ज़्यादा गार्डन में ही आता है। तो भी ट्यूशन में भी आता है ऐसे कुछ नहीं, पर उससे ज़्यादा मज़ा गार्डन में आता है। तो गाइस अब फ़िलहाल के लिए इतना ही, थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं, तब तक सो लेता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो चलिए आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंट। तो क्या, रुको, मैंने सोचा था, मेरे दिमाग में था, हाँ पहले तुम कहाँ पे गया, हाँ मिल गया। पहले तो हम ये लेंगे वाइट ग्लू और लेंगे कलर की डब्बी, एक कलर की कौन सी भी डब्बी ले सकते, एक कलर की डब्बी लेंगे। उसको हम कटोरी में वो वाइट ग्लू है वो निकाल लेंगे, उसमें हम कलर के 2-3 बूंद डालेंगे और उसे मिक्स करके देखेंगे क्या होता है। तो चलिए मैं कटोरी लाने जाता हूँ। तो गाइस ओह माय गॉड, कटोरी ला लिया मैंने, मैंने स्पून भी ला लिया, ये ग्लू और ये कलर की डब्बी, इसके झाकन बदला दिया मैंने, सॉरी इसके ऊपर का जो कवर होता है वो बदला दिया। मराठी में उसे झाकन बोलते हैं, तो हिंदी में मुझे बराबर बोलना नहीं आता। तो इसे निकाल, पहले ऐसे करके देखता है निकलता है कि नहीं। हाँ निकल गया, देखो दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है ना। और थोड़ा निकालेंगे, मुझे पता नहीं था इतना कम है, नहीं तो मैं दूसरा लाता था, मेरे पास थे पैसे पर मैंने खत्म कर लिए। निकल जाओ भाई, निकल जाओ। अरे बाप रे, कितना दम लगाना पड़ रहा है। अरे भाई निकल, हाथ दर्द करे, देखो कैसे हो गया। बाप रे, फिर निकलना मतलब हमें फिर रोमन रेंज से अंडरटेकर को बुलाना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। निकल जा भाई, निकल रहा है, निकल रहा है, अंडरटेकर मेरे शरीर में घुस जाओ। इससे और एक बार निकालेंगे, अगर नहीं निकला तो रख देंगे, हाथ बहुत दर्द दे रहा है। नहीं निकल रहा, जान दो। तो अब ये है, ये सूख गया है, इसके लिए अभी हमें पानी लाना पड़ेगा। तो चलिए पानी लाते हैं। तो गाइस मैंने पानी इसमें डाल दिया, अब किससे घुमाएंगे, खराब पेन, हाँ मिल गई। तो इसे हम दो तीन बूंद, ज्यादा नहीं, पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से, नहीं तो सिर्फ पानी पानी ही रह जाएगा। एक दो, थोड़ा और, अभी भी भी, ओ माय गॉड, तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ओ भाई साहब, ये तो इसके नीचे रख देंगे, अब इसको इससे मिक्स कर लेंगे। देखो मिक्स कर रहा हूँ मैं, दिख रहा है ये ग्लू कैसा, गाइस बाहर इतनी गंदी आ रही है इसकी, देखो देखो कैसे हो गया। और करेंगे इसका बहुत बहुत गंदी आ रही है,
घुमाओ घुमाओ, वापस इसमें डाल देंगे क्या? इसके डालने की कोशिश करेंगे और देखते हैं फिर इसके बाद इसका ग्लू जो मतलब जो ये चिपकता है वो पावर इसके पास रहती है या चली जाती है। चल अंदर जा, जा रे भाई अंदर चले जा। तो गाइस मैंने इतना यहाँ पे डाल दिया, इतना रह गया मतलब जा नहीं रहा इसके अंदर, इसलिए हमने हिंदी लिया। तो अब हम ये ढक्कन पूरा पैक हो गया, इसे निकालने के लिए हमें चाहिए एक सुई। तुम ही बड़ी वाली मिल गई, ये तो बहुत ही बड़ी हो गई। इसको हम इसमें देखो हो गया ना, ओ भाई साहब देखो इसके अंदर डाल देंगे अपन, ये किससे डालेंगे, इससे डाल देंगे। अंदर जा अंदर जा, वैसे किससे पहुँचेंगे, इससे ही पहुँच लेता हूँ ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो अब ये ढक्कन लगा दिया है मैंने, मैं क्या करता हूँ ये ढक्कन लेता हूँ और ये दूसरा ढक्कन को एक मिक से जोड़ के देखता हूँ होता है कि नहीं, क्योंकि अभी भी ओह माय गॉड देखो सारा बहुत सारा निकल गया, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बार किया सादे ग्लू के साथ जो नॉर्मल वाला रहता है। अब इसको हमने खतरनाक कर दिया, ये वाइट ग्लू नहीं अब ये ब्लैक ग्लू बन गया है। तो देखेंगे, तो इसे तो जमने में थोड़ी देर लगेंगी, तब तक मैं क्या करेंगे, तो तब तक हमें टाटा बाय बाय ही करना पड़ेगा। तो बाय। तो मैं ऊपर आ गया, देखो यहाँ पे रखा है, निकालेंगे। अभी चिपक के रहना चाहिए ये, देखते हैं अभी निकल के। तो अभी यहाँ से जंप करना है हमें, 1 2 3। तो अभी हम यहाँ पे ही निकाल के देखेंगे इसे क्या हुआ है। तो चलिए निकालेंगे, मतलब चिपका तो है, अभी कोई भी चीज़ हमने चिपका के रखे वो निकालेंगे तो वो निकलेगा ही, पर देखो चिपका हुआ है। अपन इसे हिला के भी देखेंगे जोर से, देखो नहीं गिरी, मतलब इसकी अभी भी पावर है, इसकी पावर अभी भी है। तो अभी अपन निकालेंगे, देखो थोड़ा कड़क हो गया, देखो कड़क हो गया, अभी थोड़ा कड़क हो गया था, कड़क हो गया था, अभी निकालेंगे। देखो दम लग रहा है, देखो देखो, मतलब ये पूरा पक्का हो गया था, मतलब अभी कोई भी चीज़ हमने गम लगा के या कुछ भी लगा के रखी तो चिपकता तो है, पर अपन जोर लगा के खींचेंगे तो निकलेगा ही ना। तो ये मतलब ये एक्सपेरिमेंट हमारा काम कर गया है, ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, बट इसे किसी भी चीज़ पर इसका गलत इस्तेमाल मत करना, किसी बच्चे के हाथ में नहीं देना, ओके? तो गाइस एक्सपेरिमेंट देख के आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर पूरा वीडियो ही पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी याद से।